जी नमस्कार, मैं राजन राही, सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है श्रीमान संजय गहलोत जी, चेयरमैन दिल्ली कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफ एनएसजी ऑफ दिल्ली। श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सच की रफ्तार में। जी थैंक यू। पहले तो शुक्रिया कि इतने सारे लोग आए हुए थे, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका तहे दिल से आपका शुक्रिया। और एक बड़ा अटपटा सा सवाल, मैं माफ़ी चाहूँगा, सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। जी जी। करोलबाग जोन में वहाँ के कुछ अधिकारियों का, कुछ सताए हुए लोगों का कहना है कि वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ चुका है। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार है? देखिए राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस प्रकार से हमारा जो चैनल है सच की रफ्तार, इसमें एक शब्द छिपाओ सच। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है तो यहाँ सच्चाई ही मिलेगी बिल्कुल एकदम। आपने केवल करोलबाग जोन की बात करी है, अगर बात करें ना दिल्ली के जो 12 जोन से हमारे, भ्रष्टाचार तो एक से बढ़कर एक है। मतलब यहाँ पे किसको डिफाइन करने के लिए खाली करोलबाग जोन में ऐसा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली के 12 जोन से हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखिए, जैसे मुझे बताया गया है कि यहाँ जो करोलबाग में एक मामला ऐसा आया है, कंपेशन ग्राउंड का, नौकरी का मामला आया है, उसमें मिस्टर कमल एक आदमी है यहाँ पे आए थे मेरे पास में, उनको एक ग्रीवेंस थी उनकी। उन्होंने कहा जी कि मेरे फादर का देहांत हुआ, कायदे में तो नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरे सगे भतीजे को नौकरी मिल गई है। यानी एक कर्मचारी किसी मृतक की जगह है तो उसके दादाजी की, वो कहते हैं मेरे फादर थे जिन्होंने नौकरी ले ली, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि जो असली आदमी है, जिसको हक है उसको नौकरी लेने का, उन्हें मिलने चाहिए। अब जो लेटर आपने दिखाया तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने लेटर भेज रखा है वहाँ पर, और ये इंक्वायरी चल रही है उनकी यहाँ पर, हेरिंग होंगी यहाँ पर। जो ऑफिसर्स हैं, चाहे उसमें SS हों, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हों, कोई भी हो, कैसे ये काम हो पाया मलज में, और पूरी कोशिश की जा रही है। और देखिए एक बात और भी मुझे दुख है इस बात का कि खाली एक ही कंप्लेंट ऐसी नहीं है, देर आर सो मेनी कंप्लेंट्स जी, विच आर पोरिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। हर जगह से ऐसी शिकायत आती है हमारे पास में। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हेयरिंग होती है, इसमें तकरीबन डेली 300 से 400 कर्मचारी हमारे पास में आते हैं, बाहर रोड तक लोग यहाँ पे जमा होते हैं, उन सबकी शिकायत हम सुनते हैं, और जैसे भी संभव हो पाता है, चाहे वो टेलीफोन करके हम उसकी शिकायतें निपटारा करते हैं, या कहीं DO लेटर बना के हम देते हैं, या कहीं से किसी केस में हमें हेयरिंग करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े कंप्यूटर अथॉरिटी है, जिसमें कमिश्नर्स आते हैं, उनके साथ मीटिंग करके इनका फैसला किया जाता है।